और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ सचिवालय स्थित कार्यालय से भारतीय मजदूर संघ के 35वें त्रैवार्षिक वर्चुअल अधिवेशन में संबोधन किया। इस दौरान सीएम योगी ने भारतीय मजदूर संघ के कार्यों की सराहना की, साथ ही कहा कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के कामों से हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत पा रहे हैं। और आज मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में पीपीई किट नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था, इसी उत्तर प्रदेश ने अपने श्रमिक बंधुओं की मदद से 27 राज्यों को सैनिटाइजर यहां से भेजने का कार्य किया था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक संगठनों और खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ के परिश्रम का परिणाम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। लेकिन कैसे अजय योगी हुआ और एक योगी सूबे का आदित्य, यह यात्रा बहुत सुखद है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि किसने सोचा था मात्र 22 साल की उम्र में योगी हो जाने वाला गिरुआधारी सबसे छोटी उम्र का सांसद और फिर एक सूबे का मुखिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 49 वर्ष के हो गए हैं। नाथ संप्रदाय के अगुआ गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ लगातार 5 सांसद भी रह चुके हैं। योगी से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुँचने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी कुल 7 भाई बहन है, जिनमें से वो खुद अपने माता पिता की 5वीं संतान है। मात्र 22 साल की उम्र में वो योगी बन गए। गेरुआ धारण करने वाले योगी असल में गणित के मास्टर हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी करने वाले योगी आदित्यनाथ साल 1983 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर पहुंचे। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा लेकर घर को छोड़ दिया और बन गए योगी। और यहीं से शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ के जीवन का अगला अध्याय। साल 1998 में महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन योगी को तो अभी और तपना था ताकि वो सूबे के आदित्य हो सके। जीवन ने पलटी मारी और योगी आदित्यनाथ को लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद हुए चुनाव में महज 26 साल की उम्र में जीत हासिल करके योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुँचे। पहले ही चुनाव में जीत दर्ज करने वाले योगी आदित्यनाथ को सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ है। समय के पहले योगी आदित्यनाथ की ख्याति भी बढ़ती चली गई। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली स्थित पचरुखिया कांड ने योगी को और चर्चाओं में ला दिया। इसी कांड के बाद उनके ऊपर कई बार एक धर्म के विरोधी और सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगा। गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इसी दौर में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती दी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बगावती तेवर भी दिखाए। योगी आदित्यनाथ ने साल 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में लगातार 5 जीत हासिल की। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया और 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। अब सूबे की कर्ता धर्ता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन उनकी कर्मठता और जुझारू प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा सूबे में चुनावी रण में उतरेगी, क्योंकि अभी और लिखे जाने हैं अध्याय, अभी और भी मुकाम बाकी हैं।
कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में अब तेजी से कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 1092 लोग संक्रमित पाए गए। अब पॉजिटिविटी रेट 0.3% रह गई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना से संक्रमित 120 और रोगियों की मौत हुई। अब तक कुल 5.10 करोड़ लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। अब प्रदेश में 19 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के 100 से कम मरीज हैं, वहीं 8 जिलों में 50 से भी कम रोगी रह गए हैं। मौजूदा वक्त में रिकवरी रेट 97.6% है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री बाल विकास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2020 के बाद कोविड बीमारी से अनाथ हुए बच्चों, एकल हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर शासन को सौंपी जानी है। शाहजहांपुर में ऐसे 11 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 बच्चे अनाथ हैं और 6 बच्चे एकल हैं। परिवार वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, ताकि वो बच्चों से कोई काम न करवाएं। पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे 3 प्रकार के ग्रह हैं। एक तो 0 से लेकर 10 वर्ष तक के हमारे शिशु सदन होते हैं, उसी में हमारे दत्तक ग्रह निकाय भी है, और 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक हमारे किशोर ग्रह होते हैं। ये तो वो ग्रह हैं जो बच्चे नशे के कारण से, घर से भागने के कारण से, मार पिटाई के कारण से, किसी प्रकार से वो घर से निकल गए थे, जिनको रेस्क्यू किया गया और सरकार ने उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए अपने बाल ग्रहों में, किशोर ग्रहों में रखा है। दूसरे प्रकार के जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे संप्रेक्षण गृह हैं। संप्रेक्षण गृह ऑब्जर्वेशन होम वो होते हैं जहां बच्चे कानून का उल्लंघन करके पुलिस के माध्यम से आए हुए होते हैं और जे बोर्ड के सामने जिनकी प्रस्तुति होती है। वो निश्चित तौर पर उसमें हमारे पास जगह कम है, इसमें कोई बात कहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से घटना अभी भी संक्रमण होने की बहुत कम से कम घटना हुई है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी उसको व्यक्तिगत तौर पर या महिला कल्याण विभाग या महिला निदेशालय विभाग, कल्याण निदेशालय उसको व्यक्तिगत तौर पर देख रहा है और उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग इसको संज्ञान ले रहा है। तो आपने देखा होगा कि इतनी भयंकर दूसरी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण महाअभियान और तेज हो गया है। 1 जून से 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के लोगों को सभी जिलों में टीके लगाने की सुविधा शुरू किए जाने के बाद टीकाकरण में काफी तेजी आई है। अभी तक प्रदेश में कुल 1,94,00,000 लोगों ने टीके लगवाए हैं। टीकाकरण अभियान के जोर पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने जून के मुकाबले जुलाई में 3 गुना अधिक, यानी कि 3 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत यूपी में हर दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अधिकारियों से कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण केंद्रों पर कम आ रहे हैं, इनके लिए हर जिले में अलग से टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएं। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू को हटाए अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन एक बार फिर लोगों की लापरवाही चरम पर है। लापरवाही की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है कानपुर देहात से। यहां कुछ लड़के नेशनल हाईवे पर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाते हुए नजर आए। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पार्टी में शामिल होने के लिए गाड़ियों के काफिलों के साथ लड़के आए हैं। सब एक दूसरे में रुंधे हुए हैं, ना किसी ने मास्क लगा रखा है, ना किसी को कोरोना का डर है। शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है, बावजूद इसके हाईवे पर खुलेआम जश्न मनाया जा रहा है। मथुरा से सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से कोरोना को भगाने के लिए जो हवन यज्ञ का उपाय बताया था, आज उसी उपाय को वो करती हुई नजर आ रही हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया कि हवन यज्ञ करके कोरोना को भगाया जा सकता है, साथ ही से पूरा पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, लेकिन मुंबई में रहकर वो बीच बीच में वीडियो जारी करती रहती हैं। कोई इस वीडियो की तारीफ कर रहा है तो कोई आलोचना। हमेशा सुबह के टाइम पे करती हूँ, मेरा पूजा करने के बाद जिस हवन में पिछले 1 साल से तो कर ही रहे हैं, उससे पहले भी करती थी। जब से ये महामारी कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने शुरू किया है, सुबह और शाम दोनों वक्त मैं करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये जो स्मोक है इसमें घी है और बहुत सारी सामग्री है, इसमें नीम का पत्ता भी है और राई भी है और नमक भी है एंड लोबान भी है, अच्छी खुशबू भी आती है
और ये सब डाल के मैं ये ऐसे हवन करती हूँ, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, मोर प्योर एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, ताकि कोरोना या कोई भी बीमारी घर में किसी तरह का क्लेश भी ना हो, बहुत शांत और अच्छा वातावरण के लिए ये किया जाता है। रामजीत मौर्य एसडीएम प्रयागराज मिर्जापुर में तहसीलदार के रूप में तैनाती के दौरान जमीन संबंधी घोटाले के आरोपी थे। इसकी जब जांच हुई तो उनको दोषी पाया गया। जेपी चौहान श्रावस्ती के एसडीएम पीलीभीत में तैनाती के दौरान जमीन संबंधित घोटाले के आरोपी थे, जिसकी जांच में इनको भी दोषी पाया गया। फिलहाल दोनों एसडीएम पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन्हें पदनावत कर तहसीलदार पद पर वापस कर दिया है और दोनों को राजस्व परिषद में संबद्ध कर दिया गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में जाकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके गुर्गे आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आनंद यादव और शाहिद पर 25,000 और मुजाहिद पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तीनों आरोपियों का मुख्तार अंसारी से सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद विवेचक महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम बांदा पहुंची। अब इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी बाराबंकी में शुरू होगी। मुकदमा लिखा गया था 369/21 जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके अन्य साथियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उसमें एक अपराधी जो मुख्तार अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है, जिसमें हमारी टीम ने 29/5/21 को वारंट भी तलब कराकर उसका बयान बांदा जेल में जाकर के लिया था। उसके बाद यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा इसको 14/6/21 को तलब किया गया है, यहां से वारंट बना है इसका। 14/6/21 को कोशिश करेंगे कि यहां न्यायालय में ला करके इसका बयान कराया जाए और इसके अन्य साथी जो हैं तीन वांछित अभियुक्त आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। सभी पे इनाम घोषित किया गया है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां जहरीली शराब कांड मामले में वंचित चल रहे तथाकथित भाजपा नेता 75,000 रुपए का इनामी ऋषि शर्मा के विरुद्ध एसडीएम कोल रंजीत सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। इतना ही नहीं, मार्केट में मौजूद शराब के ठेके को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थाना जवां इलाके में शराब माफिया ऋषि शर्मा द्वारा चक्रोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा करके फार्म हाउस के क्षेत्रफल को बढ़ा लिया गया था, जिस पर एडीए की शिकायत पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कराया गया है। आज हम लोग यहाँ ऋषि शर्मा के जो तथाकथित इनका फार्म हाउस और होटल है, इसके बारे में हम लोग ने जब जांच करवाई तो यह पता चला कि इन्होंने जो सरकारी रास्ता है उस पर लगभग 2.5 मीटर की चौड़ाई में इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसके अंतर्गत हमारी राजस्व की टीम सुबह से पैमाइश कर रही थी, पैमाइश करके इसका चिन्हांकन किया और अब हम लोगों ने सबने मिलकर करके और इनके चारदीवारी को गिरवा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी इनकी संपत्तियों को ढूंढ रहे हैं, जहां भी इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको हटवाएंगे। अभी हमें यह भी जानकारी मिली कि जवां बाजार के अंदर एक कुएं की जमीन थी जिस पर इन्होंने खोखे डाल के कब्जा करवा रखा था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री बाल विकास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2020 के बाद कोविड बीमारी से अनाथ हुए बच्चों, एकल हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर शासन को सौंपी जानी है। शाहजहांपुर में ऐसे 11 बच्चों को चिन्हित किया गया जिसमें 5 बच्चे अनाथ हैं। आम आदमी पार्टी में कई लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें अधिवक्ता मनदीप सिंह, शिक्षक कमलेश पांडे, आशुतोष मिश्रा, आयुष राज, संस्कार खरे, मोहम्मद अरमान, सोनू रावत, दुर्गेश सिंह दीपू, समाज सेविका संजना किन्नर समाज से मोहम्मद तुफैल समेत 10 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी दल अपने कुनबे का इजाफा कर रहे हैं। देश की आजादी को भले ही 74 साल से ज्यादा समय बीत गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश में अब भी जातिगत भेदभाव होने का प्रमाण पेश किया है। असल में मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुरा गांव का है। गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया है कि जब पंचायत भवन में गांव के लिए विकास के लिए पहली ऑनलाइन बैठक अधिकारियों के साथ हो रही थी, इसी दौरान आधा दर्जन दबंगों ने वहां पहुंचकर महिला प्रधान के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि जाति सूचक
शब्द इस्तेमाल करते हुए उसे कुर्सी के नीचे बैठने तक के लिए कह दिया। हद तो तब हो गई जब उसी में से एक दबंग ने हाथ पकड़कर महिला प्रधान को कुर्सी के नीचे ही बैठा दिया। फिर क्या था, तनाव बढ़ने पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाए। भेदभाव हम दलित हैं तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, चमारिया उठो नीचे बैठो, और गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ देने, हमारी छोटी ननन भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था, दबंग लड़का था। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को शर्मसार करता एक मामला बजरावन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां एक प्रसूता का जबरदस्ती नॉर्मल प्रसव कराया गया, जिसकी खींचतान में बच्चे को चोटें आईं और नवजात ने अंततः दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रसूता के प्राइवेट पार्ट्स में कपड़ा डालकर टांके लगाने तक लगा दिए, जिसकी शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ने बताया था कि कपड़ा जो है आपके अंदर ऑपरेशन के बाद डाला जा रहा है? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं था ये कपड़ा, ना हमारे घर वालों की जानकारी में था कि हमारी यूट्रस में कपड़ा है। ये कपड़ा मेडिकल का तो है नहीं? नहीं, ये घर का है। आप घर से ले गए थे वही कपड़ा है? हाँ, जो घर से ले गए थे दिल्ली बताए। इसकी हम नियमानुसार जाँच करा कर उचित कार्रवाई करेंगे। आप मामला के संज्ञान में भी आए नहीं? नहीं, अब आ गया है, संज्ञान में है। इसकी जाँच करा के अभी इनके द्वारा दिया गया पत्र श्री हरीश चौरसिया द्वारा, और इसकी हम नियमानुसार जाँच करा के कार्रवाई करेंगे उचित। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी मेरठ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में ईएनए यानी शराब बनाने में प्रयोग किए जाने वाला केमिकल बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि यह केमिकल पंजाब की 3 डिस्टिलरी से वहीं के कर्मचारियों और टैंकर चालकों की मिलीभगत से चोरी किया जा रहा था। एसएसपी अजय साहनी ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि एसओजी प्रभारी वरुण शर्मा और इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा तपेश्वर सागर ने सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के तार पंजाब से लेकर मेरठ तक के कई लोगों से जुड़े हैं, जिनके विषय में जानकारी जुटाई जा रही है। शाहजहांपुर की बात करेंगे, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम इमलिया के पास एक फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए आरोपी कमलेश को अवैध शस्त्र बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराजगंज जिले में मनरेगा में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां तालाब पर बिना काम कराए मनरेगा और वन विभाग के कर्मियों ने मिलकर फर्जी ढंग से लगभग 26 लाख का भुगतान करा लिया। पूरा मामला परतावल गांव टोला बरियारवा का है, जहां साल 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा से पोखरे के सौंदर्यकरण कार्य कराया जाना था, जिसको लेकर काम भी जारी था, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर गांव के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया और काम रुक गया। काम रुकने के कारण ब्लॉक से भुगतान पर भी रोक लगा दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने भुगतान पाने के लिए मिलीभगत करते हुए 25,87,000 का भुगतान करा लिया। मामले की शिकायत मिलने पर जब जिलाधिकारी ने जांच कराई तो सच सामने आया। पूरे मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मनरेगा के एपीओ डीएफओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत ही अनियमितता इसमें बरती गई थी, कार्य जो नहीं कराया गया था उसमें भी भुगतान कराया गया था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी संबंधित थे उन सबके खिलाफ FIR पहले कराई गई और सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। हमारे यहाँ एक APO था जो पूर्णतया संलिप्त था इसमें, उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई है और वन विभाग के कुछ कर्मियों का इसमें नाम आया है, उनके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए DFO महोदय को भेजा गया है और साथ ही सभी जो भी संबंधित थे उनके खिलाफ FIR करा दी गई। BDO परतावल द्वारा थाना कोतवाली में 5 लोगों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 3 वन विभाग के कर्मचारी भी हैं। ये मनरेगा के तहत तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य करा लिए जाने और भुगतान में अनियमितता लगभग 25,87,000 रुपये की हुई है, इसका यह अभियोग पंजीकृत हुआ है, इसकी विवेचना की जा रही है और शीघ्र जो साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मामूली विवाद और चुनावी रंजिश को लेकर प्रदेश के अलग अलग जगह से मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी दबंगों में डर नहीं है। आज सूबे के 5 जगह से मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, हरदोई और हमीरपुर से लड़ाई के वीडियो किस तरह से सामने आए। भारतीय किसान यूनियन ने आज देशभर में जिला अधिकारी के कार्यालयों का घेराव किया। इसके साथ ही किसानों ने कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा। गाजियाबाद में तो किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की, तो वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।